अरे रसोई ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, सब्जियां भी नहीं कटी। इस समय तो सरोजा को खाना बनाना था ना, ये सब छोड़ छाड़ के गई कहाँ? अम्मा जी अब तक खाना ही नहीं बना और ये तो बाहर से आ भी गए हैं, और कुछ ही देर में हमसे खाने के लिए पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे बताइए तो? खाना सरोजा को बनाना था ना, पर पता नहीं इस तरह से रसोई छोड़कर कहाँ चली गई वो। क्या हुआ जीजी? अरे देखो ना, सरोजा को खाना बनाना था, अभी तक खाना नहीं बना है और सब लोग अभी थोड़ी देर में खाना मांगने लगेंगे। समझ में नहीं आता क्या करें हम, लापरवाही की भी हद होती है। नहीं जीजी, सरोजा बहुत ही समझदार लड़की है, वो अपने काम में कभी भी लापरवाही कर ही नहीं सकती। जरूर कोई बात होगी इसीलिए। अच्छा ऐसी क्या बात हो सकती है, देख कर आते हैं। चल तारा हम लोग मना लेते हैं, तू एक आखले में इधर दिखती है। क्या कर रहे हैं आप? सब छोड़ दीजिए, हम कर देंगे, हम कर देंगे, आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिए, हम साफ कर देंगे, आप प्लीज परेशान मत होइए। छोड़िए ना सरोजा जी, हम कह रहे हैं ना हम कर लेंगे, आपसे नहीं होगा, हम ना सारे दाग निपटा देंगे, पुलिस आएगी भी ना उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, हम जेल नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हम कर देंगे ना, आप छोड़िए हमें, हम साफ कर देंगे ना। इसका क्या करेंगे, ये कैसे जुटेगा, कैसे जुटेगा? इस तरह से अपनी मनमानी करेगी ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सरोजा जी आप हमें छोड़ के मत जाइए, हमें आज आपकी बहुत जरूरत है, हमें बहुत डर लग रहा है, छोड़ के मत जाइए। हम कहीं नहीं जा रहे, हम बस अभी देख करके आते हैं ना, आप बस परेशान मत होइए, हम आ रहे हैं देख करके। सरोजा बहू, अम्मा जी हम देख करके आते हैं, आप प्लीज परेशान मत होइए। अम्मा को कुछ मत बताना, अम्मा को पता चल गया तो भाऊजी को बता देंगे, भाऊजी को पता चल गया तो प्लीज प्लीज अम्मा को कुछ मत बताना, अम्मा भाऊजी पुलिस। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, बस हमें एक बार देख कर आने दीजिए ना, एक मिनट। हाँ हमारे नहीं 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 हम देखेंगे। ये कौन है जो बार बार घंटी बजा रहा है? जरूर कोई बाहर वाला होगा, घर वाला इतना बेसब्र तो कोई हो ही नहीं सकता।
नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल रहिए, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रहिए। बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? जी, हमें कुछ बात करनी थी। अरे माधव, बेटा देखो ना, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। देखते हैं। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? सामने तो आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, हम एक खूनी की तलाश में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। सरोजा जी, आप तो पूरी तरह से फंस गए, आप क्या करें? प्लीज आपके। आप घबराइए मत, आपके कपड़े तो पूरी तरह गीले हो गए, आप जाइए बदल करके आइए, जाइए। अब हाँ, हम बदल के आते हैं। इंस्पेक्टर साहब अंदर आइए ना, इत्मीनान से बात हो जाएगी। ये अभी कपड़े बदल के आ रहे हैं ना। आइए भीतर चल के बैठिए, आइए। सरोजा जी, अब क्या होगा? पुलिस इंस्पेक्टर भी घर आ गया, उसने हमें देख भी लिया होगा। आपने सुना ना उसने क्या कहा? वो खूनी को ढूंढने आया है, वो पकड़ के ले जाएंगे। देखिए आप शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आपने खून नहीं किया ना, बस आपकी गलती इतनी है कि आप उस जगह मौजूद थे जहाँ पर खून हुआ, इसलिए अब आपको शांत होकर के इसका सामना करना होगा। हमारी बात मानिए, एकदम शांत हो जाइए। सरोजा जी, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आप सुनिए हमारी बात, देखिए कानून हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है, और आप सच्चे हैं ना, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरोजा जी, बंद कीजिए लेक्चर देना, तो पुलिस भी घर तक आ गई है, वो हमें पकड़ के ले जाएंगे। बहुत बुरे फंसे हम इस लफड़े में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, हमारा तो मन कहता है कि हमें कहीं दूर भाग जाना चाहिए, बहुत दूर भाग जाना चाहिए यहाँ से। यही सही रहेगा, बहुत दूर भाग जाते हैं, फिर कोई हमें पकड़ नहीं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं। आप अगर सच्चे हैं तो आप यहाँ रह करके उसका सामना कीजिए। हमने कहा ना, हम आपके साथ हैं, उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप गलत नहीं है। इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सरोजा जी, आपको पक्का यकीन है सब ठीक हो जाएगा? आपको हम पर भरोसा है ना, हम आपसे कह रहे हैं, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस हमारा विश्वास कीजिए। ठीक है सरोजा जी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करेंगे। हे भगवान, हमें सबका सामना करने की शक्ति दीजिए। कहाँ देखा है मैंने इसे? कहीं तो देखा है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछताछ करनी है आपको? हमें आपसे ये पूछना था कि आप रिकॉर्ड रूम में क्यों गए थे? तो इसका मतलब हमें पकड़ने ही आए हैं ये लोग। का मतलब क्या है? देखिए मैम,
जिस रिकॉर्ड कीपर का खून हुआ है उनको हम प्यार से चाचा बुलाते हैं, और हम उनके खूनी को ढूंढ रहे हैं, वो भी किसी भी हालत में, और वो खूनी हमको चाहिए। ढूंढ रहे हैं तो ढूंढिए ना, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तहकीकात के लिए मैडम। हमें पता चला है कि मिस्टर माधव कत्ल के कुछ समय बाद वारदात के जगह पर दिखाई दिए थे। बस इसी सिलसिले में हम पूछताछ करने आए हैं कि ये उनके पास क्या करने गए थे। हम अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? ये तो वहां गया ही नहीं था। गए तो हम थे कल। अच्छा, तो संग्राम जी आप हैं, क्यों गए थे आप उधर? एक मिनट माधव, सरोजा तुम लोग अंदर जाओ, हम बात करते हैं इनसे। जाओ अंदर। जी भैया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ जरूरी रिकॉर्ड की जानकारी चाहिए थी, इसलिए हम आ गए थे। कोई खास बात? एक एक चीज ठीक से चेक करना। जी सर, बिल्कुल। कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। जी। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पुलिस स्टेशन में ये सब कैसे हो गया। लगता है गार्ड से पता करना पड़ेगा, गार्ड ही बता सकता है। गार्ड, गार्ड! यस सर। क्या यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है? नहीं सर, यहाँ आने के लिए तो रिकॉर्ड बुक में एंट्री करनी पड़ती। तो रिकॉर्ड फाइल लाओ। सर रिकॉर्ड बुक तो किसी ने गायब कर दी। तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ यहाँ से। जाना तो कोई शातिर कातिल रहा होगा जिसने भी ये सब किया हुआ है। फिंगरप्रिंट्स के आते ही शायद हमें कोई आगे का रास्ता दिखे। पर ये आम आदमी इस रिकॉर्ड रूम में आएगा क्यों? हमें तो लगता है कि जो भी यहाँ पर आया होगा कोई बड़ा राज जानने के लिए आया होगा, जिसका सुराग सिर्फ यहीं से लग सकता है। जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब संग्राम राय के पास पूछताछ करने के लिए गए हुए, आखिरी बार वही यहाँ पर आया हुआ था। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे भी बड़े घरों में गंदे राज अक्सर छिपे रहते हैं। हाँ सर। ठीक है सर, जैसे आप कहें। देखिए, हमारे सीनियर अफसर का फोन आया था कि आपको थाने ले जाया जाए। क्या बक रहे हैं आप? आप कितनी मजाक कि राय परिवार वालों को थाने ले जाओगे? हम तुम सब की नौकरी खा जाएंगे। कह देना अपने सीनियर से, समझे तुम? देखिए, इसमें इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, ये कानूनी तहकीकात है, इसमें आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अरे तो हम कहां कह रहे हैं कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे? मदद तो कर ही रहे हैं आपकी। आपको जो कुछ भी पूछना है यही पूछिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, ये हमारे सीनियर का ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोल दीजिए जाकर अपने सीनियर से कि उनको जो करना है कर ले, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? इंस्पेक्टर साहब, हमने एक बार आपसे कह दिया ना कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मतलब कहीं नहीं जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं ना कि आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आती है? क्या बात है, संग्राम इतने गुस्से में क्यों है? चाची जी, वो थाने से कुछ पुलिस वाले आए हैं, शायद संग्राम भैया की कुछ उनसे ही कहा सुनी हो गई है। चलो चलकर देखते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे
तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सीनियर का ऑर्डर है, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम मजबूर हैं। जाओ गाड़ी निकालो। ठीक है इंस्पेक्टर, आप नहीं मानते हैं तो चलिए हम चलते हैं आपके साथ। हम भी तो देखें कि आप हमारा क्या कर सकते हैं। नहीं सर, तुम कहीं नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर साहब चलिए हम चलते हैं आपके साथ। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पुलिस की तहकीकात है, बस पूछताछ होगी और कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहिए। चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इसे हमसे मत छीनिए। अगर ये हमसे छीन गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमारे पति को? हम इन्हें कहीं ले जाने नहीं देंगे। चलिए आप अंदर चलिए। आप लोग शांत हो जाइए मैम, हमें कुछ नहीं होगा, हम तुरंत आ जाएंगे। नहीं संग्राम, वो भी ऐसे ही कहते कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आज तक वो नहीं लौटे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे संग्राम। हे भगवान, तुम हमारे और कितने परीक्षा लोगे। नहीं संग्राम, नहीं। रुक जाए इंस्पेक्टर साहब। संग्राम भैया को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आज पुलिस रिकॉर्ड रूम नहीं गए थे। तो फिर कौन गया था उधर? हम गए थे। लेकिन जब हम वहां गए थे, पुलिस रिकॉर्ड के काका का खून हो चुका था। हम इतना घबरा गए थे कि हम वहां से भाग गए। ओ तो ठीक है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। माधव चलिए। नहीं माधव। हाँ? सरोजा जी आप बिल्कुल मत घबराइए, संग्राम भैया को हम इस हालत में नहीं देख सकते। उस वक्त हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं होगा। आज हमें आप पर बहुत गर्व हो रहा है, बहुत गर्व। हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है और आप वापस आ जाएंगे। चलिए। वीडियो के ऑफिस में है प्रमुख जी, फोन ही नहीं उठा रहे हमारा। पिजेंद्र भी उन्हीं के साथ है जी। मैं नहीं आ रहा, क्या करें? बैठो अंदर। माधव, ये पुलिस वाले माधव को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अम्मा जी वो आ जाएंगे थोड़ी देर, कुछ उलझने हैं बस वो सुलझा दे। उलझन? कैसी उलझन? माधव सजना।